बरेली में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने नई पहल करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में दान उत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें किताबों से लेकर कपड़े, कंबल, शॉल, खिलौने जैसी कोई भी चीज दान की जा सकती है। आपको बता दें कि बेसहारा लोगों को साड़ियां और दूसरा सामान भी बांटा गया। जो लोग दान करना चाहते हैं वो यहां आकर अपनी पुस्तकें दान कर सकते हैं जो किसी दूसरे के काम आ सकती हैं। ग्राम पंचायत के पुस्तकालय में दान देने वाले का नाम भी अंकित किया जाएगा। हम लोगों ने पंचायतों में बहुत सारे पुस्तकालय की स्थापना की है, यहाँ भी राइफल क्लब में पुस्तकालय की स्थापना हुई है। तो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, उसमें हम लोगों का विचार था कि पुस्तकालय में पुस्तकें दान के द्वारा भी दी जाए। कुछ गवर्नमेंट फंड से हम लोगों ने खरीदा था, लेकिन दान के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें आ सकती है। पुस्तकें लोग प्रयोग करते हैं, उसको भी बाद में जब प्रयोग के अनुकूल उनके लिए नहीं होता है तो वो फिर उसको रद्दी के भाव बेचते हैं। तो हम लोग का प्रयास था कि जो पुस्तकें उनके लिए प्रयुक्त नहीं हो रही है लेकिन किसी और के लिए प्रयुक्त हो सकती है तो उसका यूज किया जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने पुस्तकों के लिए प्रयास किया था और हमारे यहाँ विकास भवन में, कलेक्ट्रेट में और नगर निगम में बताया गया, वहाँ भी जो भी दान देना चाहें पुस्तकें अपना नाम लिखवा कर दान दे सकते हैं। और इसको हम लोग ग्राम पंचायत के पुस्तकालयों में दान के रूप में उनका नाम भी उसमें अंकित किया जाएगा और हमारे राइफल क्लब में भी उसमें प्रेषित किया जाएगा जिस श्रेणी की किताबें होगी। तो मैं अपील करूंगा कि पुस्तकें दान करनी चाहिए सब लोगों को।